नमस्कार दोस्तों, हमारा चैनल में स्वागत है। आज एक बहुत बड़ी दुख की बात है कि एक छोटा सा बच्चा है, 2 साल का, जिसको मॉर्निंग शाम को कल सांप काटा था। काटने के बाद जो है वो लोग ओझा का पास ले गए, जो कि हम हमेशा कहते हैं, जो कि ओझा सांप काटने के बाद डॉक्टर के पास ले जाए और एंटी वेनम के द्वारा इलाज करे। ओझा का पास ले गए और ओझा का पास ले जाने के बाद जो है ओझा उसको जब परिस्थिति बहुत खराब देखा उसको छोड़ दिया और लोग डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर के पास जाने के बाद उस बच्ची का मौत हो गया। तो दोस्तों, हम हमेशा कहते हैं कि ओझा से दूर रहे। अभी हम लोग इस बच्ची का घर जा रहे हैं और उसको दिखाएंगे और उसका घर वालों को भी हम समझाएंगे। उसके बाद उस ओझा का भी घर जाएंगे और जिस ओझा को हम लोग समझाएंगे, भाई इतना सारे आदमी को जान क्यों ले रहे हैं आप? आपका पास कोई आता है तो उसको जरूर समझाएं कि भैया आप डॉक्टर के पास जाए, ओझा के द्वारा काम नहीं होगा। आप अपना जो दुकान इसको बंद कीजिए और जो आदमी को सही रास्ता दिखाइए। अगर ऐसा है तो आप अपने आप को काट के एक बार बचाइए आप जान। उस ओझा के साथ भी हम बात करेंगे दोस्तों, बने रहेगा आज वीडियो में। बहुत वीडियो में आज आप सभी को बहुत सारी जानकारी भी मिलेगा, जानकारी के साथ साथ स्टार्ट कर दे। फिर बदमाशी कर रहा है गाड़ी में। आपको ले ले जानकारी रहता तब ना, जानकारी नहीं था किसी को तो कैसे जाते धनबाद ले गया। नंबर गोटे से मधुपुर दे रखल थे पता रहता तब ने हल्ला हल्ला होते होते हल्ला झलो ने। ओझा के पास कहीं ले गए पहले? ओझा नहीं ले गए, डॉक्टर के पास ले गए। धनबाद ले गए थे। हॉस्पिटल कब लेंगे हम लोग? शाम को पकड़ा था कब? 9 बजे। 9 बजे एडमिशन। 5 बजे भोरे काटा? नहीं, शाम को 5 बजे। शाम को काटा अब लेंगे वहाँ 9 बजे? नहीं, 6 बजे। 9 बजे तो एडमिशन हो गया, 6 बजे लेंगे। 6 बजे गए तो 6:30 बजे से वहाँ छोड़ दिया थे तब चाची से। और रास्ता में जब देर ले जाते बच्चा कैसे था? रात भर के 3 बजे को बाद बच्चे को वहाँ बच्चा वहाँ इंजेक्शन देने के बाद इंजेक्शन दिया था। हाँ, सिलाई भी चलाया था, इंजेक्शन भी दिया था। उसके बाद 4 बजे तक बच्चा ठीक रहा, उसके बाद डॉक्टर आया, बोला कि नहीं से मुझसे नहीं होगा। जवाब दे उसको काटा चेहर चंदा, ठीक है? उसको आप लोग यहाँ बहरा बोलते हैं, थुथरू बोलते हैं। उसका बारे में सबको जानकारी नहीं है, बहुत जहरीला सांप है। वो काटने का बाद जो है तुरंत लेके आया, तुरंत उसको जो पेशेंट को मेरे पास लेके आया। मेरे पास पैसा नहीं लगता, खाली दवाई का पैसा लगता है पूरे। और गरीब होता है तो 1 पैसा नहीं लेते हैं। गरीब होता है 1 पैसा नहीं लेंगे, हम अपना जमीन बेच के देंगे। लेकिन आज का बाद गाँव में बोल दे रहा सबको, जैसे बच्चा को मत मारिएगा, पैसा मत दीजिएगा, लेकिन मेरे पास जरूर आइएगा। तो आदमी बोला कि हॉस्पिटल ले जाओ, 20 वाला सुया जैसे जहर वाला इंजेक्शन चलता है। लेकिन आपको ज्यादा जरूरत है, आप मेरा पास लेके आइए। हमारे पास पैसा नहीं लगा, 1 पैसा लगता नहीं। वो तो हम जानते नहीं लगता, मगर फिर भी हम लोग का पता रहता तब न जाते।
सही नहीं था आपका नंबर था। और ओझा का चक्कर में कभी रही है? ओझा इसके चक्कर में नहीं थे, कभी ओझा का चक्कर है? ओझा कभी बता नहीं सकता। बोल रहे हैं कि 5 बजे काटा, 6 बजे तो लेके बच्चा को चल गया, 9 बजे एडमिशन भी हो गया इसका। उम्मीद नहीं। और ये मशीन से भी चेक किए नहीं? लड़का है, लड़का था। इतना देवी माँ का मांगा हुआ, देवी में कटा। आपका नंबर दे के जाइए तो सब हम लोग। हाँ दे दो। ये जगह कटा है, ये देखिए, ये जो पैर में ये जो हो गया, ये तो फोका हो गया। अगर बच्चा ठीक रहता तो ये पैर जो है ये गल जाता, और ये गलने के बाद नेक्रोसिस हो जाता, पूरा मांस टूट जाता, लेकिन उससे जान नहीं जाता, ये पैर जो है गल जाता। लेकिन देखिए था ना पैर में, तो डॉक्टर वहाँ पर गया, खोल दिया, नहीं खोला तो नहीं 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 ये सांप जो काटता है ना गहुमन में और रसोलाई पर में, ये दोनों में, गहुमन और रसोलाई पर दोनों में, गहुमन और करेत में अगर सांप काटे तो उसमें रस्सी बांध दीजिए। रस्सी नहीं बांधना है, चौड़ा कपड़ा लीजिए और ऊपर से ये साड़ी का जो पार्ट है उसको यहाँ से बांधिए, ऐसे करके यहाँ पूरा लगातार यहाँ तक, अब पैर में काटे तो पूरा वहाँ तक लेपिए पूरा। और इस सांप में कभी रस्सी या कोई चीज बांधिए मत, ये बांधिएगा इस पे ये, तो पैर कटना पड़ सकता है, ठीक है? तो इसमें इस सांप में कटना नहीं है, जैसे जाता जहाँ घर वही रुक जाता है और ब्लड क्लॉटिंग करना शुरू कर देता बॉडी, ठीक है? लेकिन ये सांप बहुत जहरीला सांप होता है, ठीक है? ओझा कभी नहीं बचा सकता, हम बार बार बोलते हैं आज ओझा बचा ही नहीं है। नहीं, ओझा पास तो नहीं, गांव घर में कोई जहर पी लेता तो ओझा बन जाता है, जमीन का खेत में जो मारता है कहाँ ले जाता है, लटो मार ले जाता ना। तो ये सांप तो अपना दांत द्वारा जहर छोड़ दिया तो फिर कैसे होगा? देखिए ओझा बचाता किसको, जिसमें जहरीला सांप नहीं काटा या यही सांप काटा, यही सांप कभी कभी काटता है तो जहर डालता नहीं उस समय में। जहर ये 80% जो है ना, इसका 20% जहर डाल चुका था, और जहर डाला थोड़ा मुड़ा नहीं, बहुत ज्यादा जहर डाला है, बहुत ज्यादा, 4-5 बार उस जैसे। नहीं तो ये शाम में 24 घंटे तक जिंदा रहता है, ये शाम में रसल भाई बार में 24 घंटा, 48 घंटा, कोई 72 घंटा में जैसे काटा ना वो आदमी समझने नहीं सका। हम लोग भी मतलब घर में, मगर हम लोग को पता नहीं चला ना, तो हम लोग तो तुरंत इसको लेकर के निकल। सांप को आप लोग, सांप को आप लोग यहाँ आए तो पता है, रखा है, रख लिया, बाद में मारा सुबह, हम लोग को दिमाग में नहीं किया, ठीक है? हम देख लेते, सांप को देख ले, ये तो पता चल रहा है। आइए जानकारी, ये रसल वाइपर है, बहुत जहरीला सांप, इसको आदमी अभी भी है ना गांव देहात में, इसको कोई अजगर का बच्चा, बहरा अलग अलग, लेकिन इसका बारे में पता नहीं, बहुत जहरीला होता है और इसका दांत बहुत लंबा होता है, एक बार में बहुत ज्यादा जहर छोड़ता है, गहुम ना करे इससे बहुत ज्यादा, जिसके कारण इससे जो है ना इंसान का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। हम लोग जानते हैं कि इसका विष एक बार मारने से नहीं लगता है, दो तीन बार जब, हाँ ये दो तीन बार कभी करता है, ठीक है? लेकिन यही है, पानी ला बाबू, ठीक है ठीक है ठीक, लाड़ दादा, ये नहीं ये लाड़ पानी ला, छोटा सा बच्चा का इसका जो है किसी को ध्यान नहीं दे रहा है, लफड़ाई कर दिया। हम आप सभी को बार बार बोलते हैं कि सांप काटे मेरा पास आइए, एक पैसा नहीं लगेगा। अरे बताइए ये बच्चा, छोटा बच्चा का जान चला गया, आप लोग से ज्यादा हमको दुख लग रहा, ऐसे कभी मत कीजिए। सांप काटे तो तुरंत लेके आइए मेरा पास, हम एक पैसा नहीं, अपना जमीन बचकर आपको बचाएंगे बच्चा को, लेकिन आज का बात कभी ऐसा मत कीजिए। क्या करिएगा सर, मांगा हुआ बच्चा, देवी माँ का बच्चा मांगा हुआ, देवी माँ भी रक्षा नहीं किया। उसको तो पहले ही लिया, सांप से काटे किसी भी आदमी का मौत नहीं, मतलब मेरा गोमो में आप 7 साल से एक आदमी का मौत नहीं हुआ, 7 साल से एक आदमी का मौत नहीं होना। आप लोग आइए, एक पैसा नहीं, खाली आप आ जाइए, पूरा जितना पैसा लेगा हम देंगे पैसा, लेकिन किसी को मत मारिए, ओझा का पास मत ले जाइए, ओझा का बोलिए मत मत मारिए। नंबर बताइए।
कुछ नहीं है।